तहलका होने वाला है, तहलका मचने वाला है गाइस। तो हेमराज जी गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बेस्ट होंगे यार। तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो यार आज हमने सोचा व्लॉग निकाल लेते हैं, बिकॉज यार हम तो घर में काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। तो मैंने मन्नू भैया को कॉल किया कि चलो घूमने चलते, तो मन्नू भैया ने कहा चलो हाँ, तो चलते हैं आज कहां। मन्नू भैया आपको थोड़ा सा बताएंगे तो नहीं, देखते हैं किधर को निकलेंगे। तो गाइस हम घर में बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे और अभी दिन के लगभग बज रहे होंगे दो बज चुके हैं। अब जाके हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि यार काफी टाइम से हम घूमने नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि घूमने चले जाएं। तो आ जा रहे हैं हम एक अच्छी सी लोकेशन पे घूमने, तो देखते हैं अभी क्या क्या सीन शॉट रहता है। और आज हम उस लोकेशन जाने वाले हैं जिस लोकेशन का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है गाइस। तो हम निकलते रहेंगे सीधा रोड बाय रोड, तो हम जाते हैं किधर तो आपको दिखाते हैं। आज सड़क बाय सड़क जाएंगे गाइस, हम देखते हैं गाइस यार अच्छी सी लोकेशन पे ले जाएंगे आपको। तो गाइस आज तहलका होने वाला है, तहलका बवाल मचने वाला है गाइस। तो गाइस लेट्स गो, तो चलते हैं गाइस। तो अगर ब्लॉग इसकी बिल्कुल मत करना क्योंकि तहलका होने वाला है ये वाला ब्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके यार घंटा बटन जरूर दबाएगा ताकि आप घंटा भी अपडेट मिस ना कर पाओ। अभी तो हम जस्ट फटाफट निकल लेते हैं बिकॉज यार अभी हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। जल्दी तो क्या, हमें घूमने जाना है, बट थोड़ा दिखाते हैं आपको तब तक सिनेमैटिक। दोस्तों आपको सिनेमैटिक अच्छा लगा होगा। आज दिन भर बारिश लगी हुई है, कंटिन्यू यार गाइस बारिश लगी हुई है। और अभी हम पहुंच चुके हैं जिस लोकेशन पर हम जा रहे थे, मतलब जिस घूमने आ रहे थे जस्ट, लेकिन एक लोकेशन दिखी बस वहीं पे पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। और अभी थोड़ा बहुत खाना पीना हमने जस्ट उधर होटल में खाया था और मज़ा एकदम कंटाप वाला मज़ा आ गया यार। और अभी यहाँ पर डीजे भाई पीछे से आ रहे हैं और बारिश में भीगते भीगते यहाँ से फटके चार हो गए यार। ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर अभी, क्या ही बताएं अभी। अब देखते हैं कि क्या क्या यार आगे होता है, ज़्यादा कुछ प्लान तो है नहीं यहाँ पर जाने का, लेकिन देखते हैं यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना। एक बार हम सोच रहे हैं ऊपर जा लें, लेकिन क्या करें अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश लगी हुई है कंटिन्यू यार। देखते हैं चलो अभी क्या क्या सीन शॉट रहता है। सो गाइस अभी तक तो एकदम बवाल सीन चल रहा है यार, बिकॉज यार अभी तो बारिश भी हल्की हल्की आने लग चुकी है। आई होप कि बारिश ज़्यादा ना आए, बट यार क्या करें, अब आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे ये आपको बताते हैं। करना तो पड़ेगा बिकॉज आज घूमने का दिन है। और यहाँ पर देखिए आपके मन्नू भैया के तो आज फटके चार हो चुके हैं गाइस ठंड से। तो मन्नू भैया ठंड लग रही है बिल्कुल ना। सो हाँ जी दोस्तों, तो अभी लगभग एक दो किलोमीटर का रास्ता तय करके हम यहाँ आ चुके हैं। इस जगह का हमें बिल्कुल नाम नूम कुछ पता नहीं है बिकॉज यार हम इस जगह पर अभी नए हैं। तो यार देखते हैं आगे कहीं लिखा होगा किसी बोर्ड पे, में कुछ बोर्ड लगा होगा ना, उस पर लिखा होगा कि कहाँ पर आए हैं हम प्रॉपर। हाँ तो देखेंगे आगे में, थोड़ा बहुत दो चार मीटर आगे जाएंगे या फिर एक दो किलोमीटर आगे, दो चार सौ किलोमीटर आके एक बोर्ड वहाँ पर दिख रहा है। हाँ आगे में है ना दादा, तो वहाँ पे दिखाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं और आपको बताते हैं जगह का नाम क्या है। गांव का नाम पता है क्या, माल। तो ये गाइस ये करें, सो गाइस माल में पहुंच चुके हैं हम अभी। सो गाइस उस प्यारे सी लोकेशन में आ चुके हैं यार, इतना प्यारा है ना कैमरा में आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना आप अपने हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गाइस। यार गाइस इतना प्यारा लोकेशन है, एक बार जरूर आना गाइस यहाँ पर यार, बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ से। हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है अभी गाइस, ठंडी ठंडी हवा, अब लग रहा है ना कि पहाड़ों के अंदर यार, बहुत तगड़ा दिख रहा है ना यहाँ से। तो आपको भी दिखा देगा, चलो चलो गाइस मन्नू भैया दिखा देते हैं। चलो गाइस लेट्स गो, अभी हवा खानी है तो ठंडी तो यहाँ आ जाएगी गाइस। नाम तो हमें पता नहीं जगह का, बट आ जाना अभी। बालों से अनुमान लग रहा है कितना हवा चल रही है। अभी तो हमने जस्ट उस लोकेशन को अभी ऊपर से देखा है सड़क से, अभी हम नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ से भी दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक्स। वहाँ पर एक बड़ा डांग है उससे चट्टान पत्थर, सॉरी डांग नहीं भाई, डांग तो हमारी वहाँ कहते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में कहते हैं उससे। हाँ और डांगा चट्टान पर से दिखाएंगे नीचे का व्यू और साइड का व्यू भी दिखाएंगे, बहुत तगड़ा यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है। हाँ तो गाइस चलिए चलते हैं,
यार गाइस एक जगह ना काफी सरप्राइजिंग है गाइस, एक जगह काफी ज्यादा यार हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है नीचे जाने के लिए, बिकॉज यार वहां कुछ इतना तगड़ा दिखने वाला है ना गाइस, बिल्कुल BAWAL है गाइस। तो गाइस कुछ इस तरह के रास्ते से जाना पड़ रहा है यहाँ नीचे, लेकिन स्वर्ग देखना है तो जाना तो पड़ेगा, पहले नर्क जाना पड़ेगा फिर स्वर्ग मिलेगा। और टफ रास्ता है यार यहाँ से, ये गाइस ये कर आपके डीजे में किस तरह घुस रहे हैं। तो यहाँ से यार क्या ही बोले भैंस की आँख, चिपला इस तरह से जाना पड़ता है यहाँ से। ये गाइस ये करें, ओ हो हो, ये चेक इट करें गाइस, ये चेक करें आप, ये गाइस लोकेशन तो पता नहीं तगड़ी होगी या नहीं होगी, पर रास्ता बहुत ज्यादा तगड़ा है गाइस यहाँ का। और यहाँ भीमताल पहुंच चुके हैं। ये आह चेक करें गाइस, ये चेक करें गाइस भीमताल। तो गाइस कैसी लगी लोकेशन कमेंट में जरूर से बताना। और अभी हम उस पीछे आप देख सकते हो उस डांग यानी कि चट्टान, यू नो दैट चट्टान। गाइस अभी आपने देखा होगा कि यहाँ रास्ता, यहाँ का रास्ता कितना ज्यादा टफ है, और लेकिन लोकेशन उससे भी ज्यादा प्यारी गाइस। तो आप हमारे पीछे देख सकते हो ये देखो नदी, और अभी यहाँ से ना कुलसारी का कुछ तगड़ा सा व्यू दिख रहा है, आपको भी दिखाते हैं हम वैसा ही गाइस। तो चलो सिनेमैटिक दिखाते हैं आपको कुछ थोड़ा सा उस वाली चट्टान में जाकर, बिकॉज यार वो ज्यादा थोड़ा हाइट में है तो वहाँ से कुछ ज्यादा तगड़ा दिखेगा। तो गाइस 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 बेटा, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से कुलसारी का भी दिख रहा है, तो ये आपको कुलसारी दिख रहा होगा, आई होप कि ये पूरा कुलसारी है गाइस, यहाँ से मतलब यहाँ तक आगे तक ये पूरे यहाँ पर कुलसारी है। और ये पता नहीं आगे कौन सा वाला गांव है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूरा थराली मतलब यहाँ ये आगे पूरा सुन गाँव है ये वाला। हाँ तो ये सुना गाँव है गाइस, तो ये है कुलसारी यहाँ पे, ये देखिए नदी है पिंडरी वाली गाइस। तो यहाँ से पता नहीं कौन कौन से गाँव दिख रहे गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नया हूँ तो मुझे ज़्यादा पता कुछ है नहीं यहाँ का। तो यहाँ पर देखिए नील ढोल पता नहीं क्या नाम है यहाँ का, तो आप ये लोकेशन चेक करें गाइस को दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये रास्ता है क्या नीचे में है, कहाँ के लिए है रास्ता, रास्ता है गाइस यहाँ से नीचे के लिए होगा कोई गांव गाँव। तो यार आप ना ये वाली लोकेशन चेक कीजिए, इस पहाड़ों वाला व्यू तगड़ा लग रहा है अभी। तो इधर अभी बादल लग रखे हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चलते उस चट्टान के ऊपर से वहाँ से दिखाते हैं आपको। तो चलिए बॉयज देखिए आपके मन्नू भैया कैसे जा रहे झाड़ियों के रास्ते से। गाइज मैंने आपको बताया था ना पहले भी यार, यहाँ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ है, बट लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी। कुछ इस तरह का गाइस यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है नीचे। तो गाइस यहाँ से कुछ तो BAWAL वाला सीन हो ही रहा है गाइस, बिकॉज यहाँ पे अभी हवा भी काफी तेज हो रही है, जिससे हम सिनेमैटिक्स बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे, बिकॉज गाइस इसे ना पूरा सिनेमैटिक्स ना पूरा ब्लर हो जा रहा है गाइस। तो यार जिसमें दिक्कत आ रही है गाइस, लेकिन ना क्या यार आनंद चेक करें अब, कंटाप है गाइस, कंटाप यार गाइस, इधर मतलब ये देख शुरू हो चुकी है गाइस, थोड़ा हल्की बारिश भी गाइस है शुरू हो चुकी है गाइस, इधर देखें, लेकिन गाइस मजा ना एक नंबर आ रहा गाइस, अभी झूठ नहीं बोला मैं आपको, बिकॉज हाँ मैम इतनी टॉप पे है ना ये गाइस, यार क्या बोले मतलब बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है इसमें, दिखा दूँ ये देखो पीछे से मतलब पूरा बैकग्राउंड, और यहाँ से ना कुछ सिनेमैटिक देखने का ना आनंद ही कुछ अलग आ रहा है गाइस। ये देखिए मन्नू भैया देखिए आप किसने पीछे कितनी मस्ती ले रहे हैं आपके मन्नू भैया, देखा आपने हेमलो जी गाइस, अभी तो हेमलो जी गाइस।
गाइस यार यहाँ पे ना काफी ज्यादा अभी ठंड है गाइस, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अभी ज्यादा बहुत ज्यादा हवा हो रही है गाइस, तो यार ठंड ना यार, वैसे भी हम एक शर्ट मार के यहाँ पे, हमें क्या पता गाइस, हमें क्या पता हवा यहाँ पर बैठा हुआ होगा। हाँ यार हवा इतना बैठा है कि क्या ही कहे, पर गाइस ना बिल्कुल मजा काफी ज्यादा आ रहा है गाइस, गोप्रो में आप ये गाइस करे उधर चेक कर गए, उधर जो है ना अभी फॉग लगा हुआ है, फॉग जानते हो, हम समझ रहे हो समझ रहे हो आप, फॉग चल रहा हुआ था उधर, फॉग चल रहा है गाइस अभी, ठीक है उधर वहां वाला की पता नहीं होता है पास मौसम तो एक नंबर होना घंटा वाला भाई गाइस। गाइस अभी तो मेरा फोन आ रहा है, हेलो मैं जन्नत में हूं भाई, तू कहां है जन्नत दिखा क्यों चैटिंग आ भी करता तेरे को, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हां गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे यार, क्या ही कहे यार, बोले यहाँ पे बॉल देखो ना ये कैन एक्सप्लेन यू यार कि यार यहाँ मेरा ये इतनी अच्छी लोकेशन है ना गाइस, कि यार मेरा यहाँ पे रहने का मन कर रहा है अभी यार गाइस, तो क्या करें, रह तो नहीं सकते हैं यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है यार गाइस, कल से यहाँ पे जॉकेट पहन के आऊंगा मैं, यहाँ पे हवा भी काफी ज्यादा चल रही है, तो ये इतनी अच्छी लोकेशन है तो दिखाता हूँ आपको, दिखा तो नहीं पाऊंगा बिकॉज यार यहाँ नीचे हवा हो रही तो पूरा ब्लर ब्लर स्वागतम है आपका हमारे चैनल में होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और घंटा दबाना मत भूले गाइस, ताकि आप घंटा भी अपडेट मिस ना कर पाओ, नेवर मिस अपडेट सबसे पहले गाइस, ठीक है गाइस, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और लव यू जोर से गाइस, माशाल्लाह गाइस, वल्ला हबीबी खड़ी खंबा गाइस।